नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर्स विंग चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूएस एग्री सीड्स की तरफ से एक काफी फेमस वैरायटी आती है यूएस 51 के नाम से, तो इसकी हम डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हम वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखे बगैर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली और फिर आप कमेंट करते फिरेंगे कि भाई ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो शुरुआत कर लेते हैं मिट्टी से। तो ये हल्की से मध्यम भूमि या फिर काली मिट्टी के लिए ये वैरायटी उपयुक्त रहती है। इस वैरायटी का जो समय है वो 160 से 165 दिन का समय पूरी तरह से तैयार होने तक लगता है। बुआई का जो समय है इसका वो जून से जुलाई का समय जो है इसका बेस्ट माना जाता है बुआई के लिए। और प्रतिरोधी क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उसके प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी के अंदर पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैरायटी को अच्छे से तैयार होने में यानी कि अच्छा उत्पादन देने में कितनी सिंचाइयों की जरूरत होती है। तो 5 से 6 सिंचाइयों की इसका जरूरत होती है। और सभी किसान साथी जिसने पिछले साल कोई भी कॉटन की वैरायटी या कपास की वैरायटी बोई थी वो एक बार कमेंट करके आपने कौन सी बोई थी उसका क्या रिजल्ट रहा वो कमेंट सेक्शन में अपने एरिया के साथ जरूर बताएं, ताकि और साथियों को उसकी जानकारी हो सके। तो इस वैरायटी की हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 4 फीट होनी चाहिए यानी कि लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की जो दूरी है बुआई करते समय वो 1.5 फीट होनी चाहिए। उत्पादन की अगर हम बात करें तो 14 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी का देखने को मिला है। काफ़ी जगह पर औसत जो उत्पादन है ये इसका टिंडा जो है इसका वो काफ़ी बड़ा होता है और चुगाई करने में काफ़ी आसान होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।